भागलपुर और भागलपुर के आसपास के लोकसभा क्षेत्रों के महागठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा करने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बात करते हैं कि 400 सीटें आएंगी, इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, लेकिन मैं कहता हूं कि एनडीए को 150 से अधिक सीट नहीं आएंगे। उन्होंने आगे यह भी कहा कि हमारी सरकार बनने वाली है जिसके बाद अग्निवीर योजना को उठाकर फेंक देंगे। देश को दो तरह के शहीद बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हमारी पार्टी इसकी इजाजत नहीं देती है। उन्होंने भागलपुर वासियों से अपील की कि अजीत शर्मा को भारी बहुमत से जिताए। भागलपुर में अजीत शर्मा का मुकाबला मुख्य रूप से जदयू प्रत्याशी अजय मंडल से है। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि पहले फेज में हुए चुनाव में बिहार की चारों सीटों पर महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी सरकार ने देश को बेरोजगारों की फैक्ट्री बना दिया है। ग्रेजुएट डिप्लोमा होल्डर युवा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, यह कहीं से सही नहीं है। जब हमारी सरकार आएगी तो सभी बेरोजगार युवाओं को पहली नौकरी दी जाएगी। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि जनता मोदी सरकार को पूर्ण रूपेण मुंह तोड़ जवाब देगी। चुनाव है और एक तरफ गठबंधन कांग्रेस पार्टी आरजेडी और इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी और हिंदुस्तान के 3-4 अरबपति। देखिए ये जो चुनाव है ये संविधान को बचाने का चुनाव है। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन लोकतंत्र को और संविधान को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के पास है। आप सोचिए, एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। कभी आपका ध्यान इधर ले जाएंगे, कभी आपका ध्यान उधर ले जाएंगे और जब आप इधर उधर देखोगे नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का धन, वही 5-10-15 लोगों को पकड़ाते जाते हैं। नाम आपने सुने हैं, अदानी अंबानी। अदानी जी को देखिए, हिंदुस्तान के सब एयरपोर्ट, सब पोर्ट, पावर, बिजली, खदानें, सोलर पावर, विंड पावर, डिफेंस, सारा का सारा नरेंद्र मोदी जी ने अदानी जी को पकड़ा दिया है। ये जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि इतनी सीटें आएंगी, उतनी सीटें आएंगी, मैं सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। हमारा गठबंधन क्या करेगा मैं आपको सीधा बता देता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। जितना हमने किसानों का कर्जा माफ किया, अगर आप उसको 25 बार माफ करो, उतना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 4-5-10 उद्योगपतियों को दिया है कर्जा माफ करके। 25 साल का मनरेगा का पैसा, जितना पैसा नरेंद्र मोदी ने अरबपतियों को दिया, उतना ही पैसा इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी गरीबों को देने जा रही है। हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट निकालेंगे, हर परिवार में से एक महिला चुनी जाएगी और उस महिला के बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी साल का 1 लाख रुपया, महीना का 8,500 रुपए डाल देगी। खटाखट 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 हर महीने 8,500 रुपए। जहां भी आप देखो, किसी भी युवा से पूछो क्या करते हो, कहते हैं कुछ नहीं करते। 7-8 घंटे इंस्टाग्राम फेसबुक पे बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने देश में बेरोजगारी फैला दी है सब जगह। जो लोग रोजगार देते थे उनको नोटबंदी और गलत जीएसटी से नरेंद्र मोदी जी ने खत्म कर दिया।
नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में रोजगार पैदा नहीं हो सकता। अप्रेंटिसशिप अरबपति के बेटे कर सकते हैं, बड़े बड़े अमीर लोगों के बेटे कर सकते हैं, मगर हमारा जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो नहीं कर सकता। तो हमारी दूसरी योजना जिसको हमने पहली नौकरी पक्की कहा है, अब पहली नौकरी पक्की का मतलब बता देता हूं, हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, सारे के सारों को हम एक अधिकार देने जा रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का अधिकार। ताली बजाओ थोड़ा और, अभी मैं आपको समझाऊंगा, फिर देखना। अप्रेंटिसशिप का अधिकार मतलब हिंदुस्तान के हर युवा को पहली नौकरी का अधिकार हमारी अगली सरकार देने जा रही है। पहली नौकरी का अधिकार का मतलब हिंदुस्तान के सारे ग्रेजुएट होल्डर, डिप्लोमा होल्डर, उन सबको एक साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी, 1,00,000 रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का, खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट में जाएगा। उनकी ट्रेनिंग होगी और अगर पहले साल उन्होंने अच्छा काम किया तो उनको परमानेंट नौकरी मिलेगी। ये जो अप्रेंटिसशिप वाली नौकरियां होंगी, ये प्राइवेट सेक्टर में होंगी, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में होंगी, सरकार में होंगी। तो करोड़ों युवाओं को ट्रेनिंग मिलेगी, हिंदुस्तान को एक वर्कफोर्स मिलेगी, ट्रेंड वर्कफोर्स मिलेगी, और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पर घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया, 8,500 रुपए महीने का, ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। अब हम किसानों को दो गारंटी दे रहे हैं। सबसे पहले, अगर नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी किसानों का कर्जा माफ करने जा रही है। इंडिया गठबंधन कांग्रेस के साथ कर्जा माफ करने जा रहा है। और दूसरा, हम हिंदुस्तान के किसान को गारंटीड कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने जा रहे हैं। उसको अपने धान के लिए, शुगर केन के लिए मार्केट रेट मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी, सही दाम उसको मिलने जा रहा है। और आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ने सेना के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ अग्निवीर योजना लागू की है। ये योजना हिंदुस्तान के किसी युवा को नहीं अच्छी लगती। जैसे ही हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना को उठा के हम बाहर फेंक देंगे, खत्म कर देंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, एक शहीद चाहिए, एक तरीके का शहीद चाहिए। शहीद का दर्जा सबको मिले, पेंशन सबको मिले, कैंटीन सबको मिले, दो अलग अलग तरीके के जवान नहीं चाहिए हमें। इसलिए अग्निवीर योजना को उठा के फेंक देंगे, जैसे पहले होता था वैसे करेंगे। इन्होंने 5 अलग तरीके की जीएसटी बना रखी है, ये जीएसटी को हम बदलेंगे, एक टैक्स होगा, कम से कम टैक्स होगा। और आखिरी बात, हमारे जो मनरेगा का काम करते हैं, आशा आंगनवाड़ी का काम करते हैं, सीधा मैं आपको बता देता हूं, जो आशा और आंगनवाड़ी का काम कर रहे हैं उनकी जो आमदनी है उसको हम दुगना करने जा रहे हैं, और जो मिनिमम वेज है हिंदुस्तान में उसको हम 400 रुपए, कम से कम 400 रुपए का बनाने जा रहे हैं। मनरेगा मजदूरों को 400 रुपए मिलने जा रहा है। कार्यक्रम में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के अलावे सभी प्रत्याशी एवं महागठबंधन के घटक दलों के कई पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। महागठबंधन और इंडिया अलायंस जीत रहा है। हांडी बार बार नहीं चाहती है। ये जो मोदी जी का जो फिल्म है 400 पार का, पहला दिन ही पहले फेज में सुपर फ्लॉप हो गया है। अब इनका झूठ का पहाड़, जुमलों का पहाड़ बिहार की जनता ने दहा दिया है। उसने ज्यादा समय नहीं है, सब लोगों से यही अपील है। राहुल जी ने मुद्दे की बात कही है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार।
रोजगार देने के लिए कहा है। सबसे बड़ा हमारा दुश्मन बेरोजगारी है। हम लोग नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महंगाई खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल की उम्र हो गए, उसके बाद भी देश के लोगों से तीसरी बार मौका मांग रहे हैं। और एक तरफ हमारे पास योजना जो लाए अग्निवीर योजना, जिसमें 18 साल में आइए और 22 साल में रिटायर हो जाइए। आप बताइए, ये देश के गरीब युवा का सरकार है, ये सभी गरीब युवा सरकार नहीं है। ये युवा को रोजगार बेरोजगार रखने की सोच रहे हैं और अपने आप को 75 साल के बाद भी प्रधानमंत्री का चार रख रहे। इसलिए साथियों, पूरे देश में हवा बह चुका है। आपने कल देखा कि किस तरीके से चारों का चारों सीट पर मजबूती से हम लोग बिहार में जीत रहे हैं, और इसी तरीके से पूरे देश में मजबूती से हमारा इंडिया गठबंधन का सरकार बन रहा। आप लोग मजबूती से साथ रहिए। और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से आप लोग आदरणीय अजय मंडल जी सांसद आपने चुना, विकास की बात तो छोड़िए, वो किसी गाँव किसी पंचायत में वो घूमने मिलने तक नहीं गए। मैं आपको वादा करता हूँ, आप अगर आपकी जीत होती है और विकास की जीत होगी, अगर मेरी जीत होती है तो आपसे पूछ के, चाहे कोई भी हो, मुखिया सरपंच जो भी प्रदेश से पूछ के काम करेंगे, उनसे मिलने काम करेंगे। चाहे वो हवाई सेवा प्रारंभ करना हो, चाहे भागलपुर में एम्स की स्थापना करना हो, सरकारी कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन सिस्टम पूरा प्रारंभ कराना हो, भागलपुर में राष्ट्रीय स्तर का IT हब बनाना हो, भागलपुर के शिल्प उद्योग को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करना है, भागलपुर और औद्योगिक नगर घोषित कराना, पंचायत प्रतिनिधियों से छीनी गई शक्तियों को वापस दिलाना है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नालंदा की तर्ज पर विकास कराना है, भोला राजपुर का काम शुरू हो गया है, आप जानते हैं समानांतर पुल मैंने उसको बनवाने काम किया है। आप याद रखिएगा, आप केंद्र की छलने वाली सरकार न युवाओं को रोजगार दे रही है न गरीबों को सहारा, यह सरकार सीनियर सिटीजन से गरीबों से छीन कर उद्योगपतियों को लाखों करोड़ का पैकेज देती है। मैं उपस्थित जन समुदाय को आश्वस्त करना चाहता हूं, मैं सांसद बनने पर सम्मान के साथ विकास करूंगा और आपकी आवाज बनकर भागलपुर की क्षेत्र की तमाम समस्याओं को आवाज उठाकर चलाने का काम करूंगा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की मद्देनजर SSP के निर्देशानुसार अवैध हथियार शराब मादक पदार्थ की बरामदगी हेतु छापेमारी वाहन चेकिंग और सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर पुलिस को सूचना मिली कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम गंदोला बादरपुर के चार दीवारी से घिरा बिलास मंडल के बगीचे में हथियार से लैस 4-5 व्यक्ति लूटपाट की योजना बना रहे हैं। टीम द्वारा छापेमारी कर कट्टा पिस्टल मास्केट कारतूस मैगजीन और मोटरसाइकिल बरामद किया गया था। मिथिलेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही लूटपाट की योजना में शामिल अन्य व्यक्तियों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार हथियार मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। अभी 3 दिन पहले ही हम लोगों ने तकरीबन 5 हथियार पकड़े थे, बड़े हथियार पकड़े थे। इसी कार्रवाई में कल रात्रि को पुलिस को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गनौरा बादरपुर में कुछ अपराधीगण 5-6 की संख्या में एकत्रित हैं और हथियार से लैस हैं और एक बड़ी अपराध की योजना बना रहे हैं। और इस सूचना प्राप्त होते ही इसमें SSP सर के द्वारा एक निर्देशन में एक टीम बनाया गया। पूरे टीम ने इस सूचना का सत्यापन किया और सत्यापन उपरांत सभी सावधानियां बरतते हुए इलाके की घेराबंदी की गई और इस पर छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में मौके पर से एक अपराधी, जिसका नाम मिथिलेश कुमार पिता बिलास मंडल साकिन गनौरा बादरपुर जो कि मधुसूदनपुर थाना का रहने वाला है, इसको मौके पर से गिरफ्तार किया गया। और जो मौके है वहाँ से तकरीबन हम लोगों ने 3 कट्टा, 1 मस्केट, 84 कारतूस है, 1 पिस्टल मैगजीन, 1 बाइक बरामद किया गया है। इसमें खोखा भी है। इस पूरे में टोटल कुल 84 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसमें मौके पर से कुछ अन्य जो अपराधीगण जो भागने में सफल हो गए, चूंकि रात्रि का समय था, तो उनमें से लगभग 3 की पहचान कर ली गई है और उनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है, तो हम लोग की टीम अग्रतर कार्रवाई कर रही है, उनके विरुद्ध भी जो है उसको भी जल्दी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इस पूरे जो सफलता प्राप्त हुआ है, ये संभावित है कि ये जो सफलता हम लोग को प्राप्त हुआ है, इससे लोकसभा चुनाव जो आगामी है उसमें हम लोगों को शांतिपूर्वक तरीके से लोकसभा संपन्न कराने में मददगार होगा और इस तरह की कार्रवाइयां आगे भी लगातार चल रही है और चलती रहेगी। क्या इसका भी कुछ आपराधिक हिस्ट्री है? वर्तमान में अभी तक हम लोग के पास
जो है वो ग्रामीण जो स्थानीय थाना के द्वारा अभी कोई आपराधिक इतिहास प्राप्त नहीं हुआ है, और भी थानों से हम लोग संपर्क करते हुए और ई प्रिजन जो हम लोग का पोर्टल है उससे भी हम लोग उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रहे हैं और इसमें और कौन कौन गिरोह शामिल है इनसे अग्रतर भी पूछताछ की जा रही है। एक आवश्यक सूचना, मैं रमेश टुडू 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरे ऊपर मिर्जा चौकी थाना की संख्या 48/21 दिनांक 4/8/2021 एक केस दर्ज है जो SDJM साहेबगंज झारखंड न्यायालय में है। उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु टीवी चैनल को उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो, साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। पूर्वी रेलवे जोन मालदा के ADRM शिव प्रसाद ने पीरपैंती स्टेशन पहुंचकर अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन पर चल रहे कार्यों के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने स्टेशन के बाहर चल रहे कार्यों को बारीकी से देखा और संवेदक को कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। ADRM ने कहा कि 4 से 5 महीने में पीरपैंती स्टेशन का कायाकल्प करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान ADRM ने स्टेशन में घूम घूमकर यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर चर्चा भी की, साथ ही स्टेशन से सुंदरपुर होकर निकलने वाली गली को संपूर्ण रूप से बंद करने को लेकर ADRM ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया। वही रास्ते को बंद करने की सुन गली के दुकानदार पुरजोर विरोध करने लगे और उन्होंने पूर्व में DRM को लिखी चिट्ठी के बारे में भी बताया। इसको लेकर ADRM शिव प्रसाद ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए स्टेशन प्रवेश व निकास के लिए एक रास्ता रखना है जो पहले से एक मुख्य रास्ता बना दिया गया है। यहाँ जो अमृत स्टेशन का काम चल रहा है, यह अमृत स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बनाया जा रहा है और यहाँ काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। फिर भी कुछ जो मटेरियल है, काम की गुणवत्ता है, उसको बेहतर करना है। उसके बाद बहुत जगह जो कबाड़ हैं उसको साफ सुथरा करना है और इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। इसके लिए दिशा निर्देश यहाँ के लोगों को दिया गया। गली में देखिए, अब वो गली में जो पहले गली के लोग मंदिर में आते थे, अब मंदिर का रास्ता जो मेन एंट्रेंस है उससे होगा, वो जो बाउंड्री वाल है उसको जो है जोड़ा जाएगा। तो आज का जो है ये पीरपैंती के लोग, पीरपैंती का स्टेशन, पीरपैंती का मौसम, ये ADRM को बहुत ही सुहाना लगे। हैं, यहाँ के लोग ऊर्जावान हैं, यहाँ के जो आसपास पड़ोस के जो है दुकानदार भी जो हैं वो भी अच्छे लोग हैं
और यहाँ जो है सभी लोग चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो, पीरपैंती का स्टेशन का विकास हो, रेलवे का विकास हो, हमारे देश का विकास हो, इसके लिए हमें लोग यहाँ दीवाना लगे। और ADRM तो एक साल दो साल नौकरी करके यहाँ से सेवा करके कहीं दूसरे जगह चला जाएगा, लेकिन यहाँ के लोग ADRM को शायद ही भुला दें, लेकिन ADRM यहाँ के लोगों को, यहाँ के व्यवहार को, यहाँ के प्यार को, यहाँ के अपमान को शायद भुलाने में ADRM को जमाना लगे। ये जो है लाइन की कार्य प्रगति पर है, अभी मैं डिप्टी सी कंस्ट्रक्शन से बात किया हूँ, इनकी काम जो अभी दिख रहा है मिट्टी का कार्य चालू है, और जैसा हमें पता चला है ये तो दूसरे विभाग के जिम्मे है, लेकिन ये चार साल में यहाँ पर नई गाड़ियाँ चलेंगी। इस लापरवाही तो ऐसा नहीं है कि जो है ज़्यादा मतलब खेद वाला वैसा नहीं है, सब कार्य चल रही है और धीरे धीरे काम हो रहा है और सब कुछ गुणवत्ता को और अंतर्राष्ट्रीय स्टैंड। कितना दिन में कार्य पूरा हो जाएगा सर संपूर्ण रूप से? ये काम है जो अभी कार्य तेजी से चल रहा है, इसमें करीब 5 महीना में और 5 महीना, हाँ 5 महीना में। उत्पाद कोड 2 और एडीजे 12 में शराब तस्कर को 5 साल के कारावास और 1,00,000 रुपया आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। वहीं आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त 3 महीने की कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल नौगछिया से 2 कार काफी तेजी से पूर्णिया की तरफ से खगड़िया जा रही थी, वहीं पुलिस को कुछ शक हुआ तो दोनों कार को नौगछिया टोल प्लाजा के पास रोका गया, तो दोनों कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई थी, जिसको लेकर केस दर्ज किया गया था और आज युवकों को सजा सुनाई गई। जानकारी ABP भोला प्रसाद मंडल ने दी। नवगछिया थाना अकाउंट संख्या 251-23-30 ये में केस दर्ज हुई। 2 कार आ रही थी, बंगाल की गाड़ी का नंबर लगा हुआ था, टोल प्लाजा के पास पेट्रोल पंप के नज़दीक दोनों को वाहन चेकिंग के दौरान रोका गया और दोनों गाड़ी से काफ़ी मात्रा में 105 लीटर से ऊपर शराब मिला, और जिसमें आज उत्पाद को 2 और 12 ADJ भागलपुर के यहाँ सजा सुनाई गई, जिसमें 30A में दोषी माना गया था 9 तारीख को और आज उसमें सजा सुनाई गई। 5 वर्ष की सजा, 1,00,000 रुपया की जुर्माना, नहीं देने पर 3 महीनों की अतिरिक्त सजा। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है, जिसको लेकर आए दिन मतदाताओं को जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली जा रही है। इस बीच आज EVM मशीन से कैसे वोटिंग की जाती है उसका मॉक ड्रिल कराया गया, वहीं इसको लेकर विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने इसे जाना और जानकर काफी उत्साहित हुए। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के प्राचार्य, सभी शिक्षक और सैकड़ों बच्चे मौजूद थे।